नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी से अपने ससुराल का पहला मॉर्निंग रूटीन, क्लीनिंग वाला। और अभी मैं उठ चुकी हूँ, ध्रुव भी अपना सो रहा है, अभी अकेला सो रहा है मेरा बच्चा, और हस्बैंड जा चुके हैं, घर पर कोई भी नहीं है, सास ससुर भी कहीं गए हुए हैं। तो यहाँ जो मेन गेट है ना हमारा, यहाँ की क्लीनिंग मैं आज आप सबसे शेयर करूँगी और पहली बार शेयर करने जा रही हूँ। पिछले 2 साल से मैंने यहाँ की क्लीनिंग, यहाँ की जगह आपको कुछ भी नहीं दिखाया है। तो जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो भी आज पहली बार मेरे जो घर का मेन एंट्रेंस है यानी दरवाज़ा है वो पहली बार देख रहे होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, 5 बज गए हैं, अभी सूर्यदेव नहीं निकले हैं। तो मैं भी उठ गई थी जल्दी, जैसे ही ये चले गए थे इनके पीछे से ही मैं भी अपना उठ के आ गई थी और सोचा कि सबसे पहले नीचे की क्लीनिंग करके आऊँगी, नहीं तो ध्रुव उठ गया तो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और फिर मैं अकेली हूँ और ऐसे में बच्चे को देखने वाला भी कोई नहीं है और मुझे ही देखना है उसको भी। तो अभी फ़िलहाल मैं उसे दूध देकर आ गई हूँ, तो वो दूध पी के फिर से सो जाएगा अकेला ही और मैं तब तक यहाँ पे अपना क्लीनिंग कर लूँगी। तो जो रात को मैं पानी भर के रख देते हैं ना बाल्टी में, बाथरूम में, उसी पानी से जो मेन गेट है धो रही हूँ मैं। और जो सामने वाली हमारी आंटी हैं वो भी देख रही हैं, वो भी खड़ी हैं मतलब साफ़ सफाई करने के लिए। और यहाँ पे पानी जो है वो मैं भर ले रही हूँ अभी, तो बारी बारी से एक एक बाल्टी पानी ले जाके और सारा जो गेट है उसको मैं आज धोने वाली हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं आप सभी को ये जगह दिखा रही हूँ। तो ये हमारा मेन गेट है और यहाँ पे अभी झाड़ू वाले भैया आ गए थे तो मैं रुक गई थी पानी डालने से। तो घर के आगे ना बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है हमारे यहाँ, तो यहाँ पर डेली धुलाई होती है, तो जो मेरी सास हैं वही करती हैं। और आज मैं आ गई हूँ और ये मतलब कहीं गए हुए हैं, अब कहाँ गए हैं ये तो हमें नहीं पता। अब बाकी जो मेन गेट है वहाँ की साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी होती है, ख़ासकर सुबह के टाइम में। और दिन भर में चाहे कुछ भी ना हो लेकिन सुबह के टाइम में जो मेन गेट होता है ना वहाँ पे हमें साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। तो बस मैं आ गई थी और ये भी चले गए थे, तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ फिलहाल। फिर भी मैंने कैमरा रख दिया था क्योंकि मुझे ब्लॉग भी शूट करना था और अगर मैं यहाँ ब्लॉग नहीं बनाती तो फिर मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पाता। और यहाँ ये वाली जो जगह है ना, वो जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं उन्होंने नहीं देखी होगी तो पहली बार देख रहे होंगे वो सारे। और यहाँ पे देखिए, इतना जो आगे तक मैं पानी डालूँगी तो लगभग यहाँ पे 4 से 5 बाल्टी पानी खर्चे में आ गया था और जो टैंक का पानी था वो भी कम हो गया था। तो फिर मैंने मोटर चला दी थी, तो धीमी धीमी आवाज़ आपको आ रही होगी मोटर की। और गंदगी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना एक ही रात में, क्योंकि ये रोड हर समय चलता रहता है और ये हमारे जो टाउन है हमारा गांव, यहाँ का मतलब मेन रोड है और इसके अंदर को मेन रोड को जाते हैं सब लोग, मार्केट है आगे जाके, तो इसीलिए ये बहुत चलता है जिसकी वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आज है बाज़ार का दिन तो आज तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वैसे तो डेली होती है, तो मेरी सासू माता ही करती हैं और आज मैं कर दे रही हूँ क्योंकि वो नहीं है। तो यहाँ की साफ़ सफाई करके और फिर जाऊँगी सीधा छत पे। तो यहाँ पे लगभग मेरी जो क्लीनिंग है वो सारी हो चुकी है। अभी मैं आ गई हूँ सीधा छत पे, तो पहले ध्रुव को देखकर आई थी कहीं वो उठा तो नहीं है, तो फिलहाल तो वो सो रहा था तो मैं और उसको चादर से ढक आई हूँ। और जो बाहर वाला दरवाज़ा था उसको भी मैंने बंद कर दिया है ताकि अंधेरा रहे, तो अंधेरे में ध्रुव अच्छे से सोता रहता है। तो और टाइम अभी लगभग 6:30 बजे का हो रहा था, तो 5 बजे उठ गई थी जिसकी वजह से जो नीचे की साफ़ सफाई है ना वो सारी हो गई थी और अंदर तक मैं पोछा लगा के आ गई थी। उसके बाद सबसे पहले डालूंगी गमलों में पानी और मैं शाम को डाल के गई थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन टैंक का पानी ख़त्म हो गया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा ही डाल पाई थी, तो यहाँ अभी भी डाल दूंगी। और गर्मी के सीज़न में ना दिन में 2 बार पानी डालना ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो शाम तक पौधे बिल्कुल मुरझा जाते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पे हम लोगों ने ये टीन के टुकड़े डाल रखे ना, बारिश की वजह से इसके नीचे जाल हैं तो उनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी आ गई हूँ सीधा छत में, तो छत को भी धो दूंगी आज, क्योंकि कल ना ध्रुव यहाँ पर लेट लेट के खेल रहा था और आज
साथ शाम को भी आके वो ज़रूर खेलेगा, और ऐसा वो हमेशा करता है। जब भी जो खेल उसको एक दिन पसंद आ जाता है ना, वो उसी खेल को अगले दिन भी रिपीट करता है। तो इसीलिए मैं आज ये छत को भी क्लीन करूँगी, और इसको क्लीन किए हुए लगभग 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो गंदी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। झाड़ू तो वैसे मेरी रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन लग ही जाती है, लेकिन धुलाई जो है वो पानी से वो बहुत कमी हो पाती है। तो अचानक से मतलब मैं करने लग गई थी, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था कि छत भी मैं धोऊंगी, लेकिन जैसे ही देखा कि गंदगी हो रही है और कल ध्रुव लोट लोट के यहाँ पे खेल रहा था, तो सोचा कि चलो आज धो ही देती हूँ। और ध्रुव की बड़ी टेंशन हो रही थी कि अगर वो उठ गया तो मेरा सारा काम पेंडिंग हो जाएगा, और अभी नीचे की यानी बीच वाला जो ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ की कोई भी साफ़ सफाई मेरी नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं यहीं नीचे चली गई थी और उसके बाद आ गई थी ऊपर और छत धो दी थी अच्छे से मैंने। तो छत धोने में मुझे लगभग 10 से 20 मिनट ही लग गए थे। मैंने सोचा था जल्दी धुल जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं और भी काम कर रही थी, जैसे कि पौधों में पानी डाला और ये जो पक्षियों के लिए यहाँ पे मग्गा रखा हुआ है पानी का, उसमें भी मैंने ताज़ा पानी डाल दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है उसको भी मैंने हटा दिया है। तो देखिए वैसे तो मैं अपना जो भी मॉर्निंग का रूटीन होता है वो सेम ही होता है मेरा, लेकिन आज मैंने नीचे का क्लीनिंग दिखाया था आप सभी को, और वहाँ भी अपना जो हमारा मेन गेट है उसको हम इसी तरह से हर रोज़ क्लीन करते हैं। मैं नहीं करती हूँ तो मेरी सासू माता कर देती हैं, और अभी वो कहीं गई हुई हैं तो आज मैंने कर दिया, और ऐसे ही करते हैं हम लोग। उसके बाद जी यहाँ पे छत पे भी जब वो नहीं होती हैं तो मैं ही करती हूँ। और रही बात पौधों को पानी लगाने की, तो वो तो मैं लगा देती हूँ जब वो नहीं होती हैं, तो नहीं तो वो ही लगाती हैं अपने आप से, क्योंकि सारे पौधे उन्हीं के लगाए हुए हैं तो वो अपने आप से ही देखभाल करती हैं सारे पौधों की। और यहाँ पे जो पानी है ना वो इकट्ठा हो रहा है बहुत ज़्यादा, और जैसा कि मैंने पिछली बारिश में आपको दिखाया था ना कि यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, मतलब नीचे जहाँ वॉशिंग मशीन मेरी रखी हुई है वहीं पर पानी गिरता है। तो हस्बैंड ने पता क्या किया था, बहुत अच्छा एक जुगाड़ लगाया हमने, जो थर्माकोल होता है उसको पिघला के जो पेट्रोल होता है उसमें डाल के, और वो बहुत ही अच्छा सा उसका एक पेस्ट बन गया था, खुद ही से पिघल गया था, फिर उसको हमने लगाया था। मैं दिखाऊंगी आप सभी को कभी ना कभी मौका मिला तो, अभी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अभी वहाँ पे सारा गीला हो गया है तो वो आपको दिखेगा नहीं। तो पानी ना बिल्कुल रुक गया है, और अगर आपकी छत में से भी पानी टपकता है तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पर पानी को नहीं रोक पाई थी, तो फिलहाल छत हो गई है पूरी क्लीन, पौधे भी पूरे अच्छे से नहा लिए हैं और पानी भी पिला दिया है। तो देखिए ऊपर का और सबसे नीचे का सारा काम मेरा हो गया है, और अब मैं जाऊंगी सीधे अपने बच्चे के पास और देखूंगी कि वो सो रहा है या जग रहा है, बिकॉज़ वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जागा होता है लेकिन वो अकेला अकेला खेलता भी रहता है। तो मैंने जैसे ही आके देखा था तो वो सो गया था, देखिए सोया हुआ है यहाँ पर। और जी दोस्तों मैं आ गई हूँ अभी नहाकर, तो सबसे पहले मैंने आके जो बिस्तर यहाँ पे पड़ा हुआ था हस्बैंड जी का उसको मैंने समेटा, और उसके बाद पूरा समय अच्छे से झाड़ू लगाई और फिर पोछा लगाया। तो नीचे जो मतलब सेकंड फ्लोर का जहाँ का मैं रोज़ क्लीनिंग आपको दिखाती हूँ, मैंने वहाँ की क्लीनिंग नहीं दिखाई है, बाकी छत की और सबसे नीचे की क्लीनिंग दिखाई है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे ध्रुव उठ गया था। तो जब ध्रुव उठ जाता है तो फिर मेरे लिए वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं फिलहाल नहा के आ गई हूँ, पूजा भी मेरी हो गई है, और अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो ध्रुव को दे दिया है मैंने दूध और बिस्किट, तब तक वो खाएगा, और मैं जा रही हूँ अभी अपने लिए हेल्दी स्नैक्स बनाने। आज कुछ हेल्दी सा बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में। और पिछले वाले ब्लॉग में जो मैंने आप सभी को दिखाया था कि मैंने देसी चने भिगो के रख दिए थे, पर वो जबरी नहीं हुए थे यानी स्प्राउट नहीं बने थे उसके, और फिर मैंने जैसे ही फ्रिज से निकाल के रखे तो ये एक दो घंटे के बाद ही जबरी हो गए थे, और अभी कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। तो आज मैं इन्हीं को खाने वाली हूँ, इतने टेस्टी लगे थे ये, बहुत टेस्टी होते हैं। तो वैसे तो मैं अक्सर खाती रहती हूँ लेकिन आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ कभी भी, और अगर आपको ये रेसिपी जाननी है कि मैं कैसे स्प्राउट बनाती हूँ तो इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा उसमें। और अभी फ़िलहाल यहाँ नाश्ता मेरा हो गया है तैयार, और आज थोड़ी सी चाय ले लूँगी साथ में और यही वाला नाश्ता कर लूँगी, तो जितने खाया जाएगा उतने खा लूँगी। वैसे ये इतने हैं कि मैं एक बार में खा लूँगी, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो इसमें आप XYZ कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हो, थोड़े थोड़े मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, अमचूर और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी मिर्च और बस थोड़ा सा नमक, और काला नमक डाल के तो बड़े ही टेस्टी लग रहे थे ये। तो आज का मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा है, अगर अच्छा
लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आते हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय योरसेल्फ।